दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा रपंजल राजकुमार के साथ चुड़ैल के घर से भाग निकलती है। क्या रपंजल को चुड़ैल ढूंढ पाएगी या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ना भूलें। हाँ कितना अच्छा लग रहा है बार। मैंने कहा था ना आपसे, ये हाँ। तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो और कितने अच्छे सीन दृश्य आते हैं। वाह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। रपंजल ने आज से पहले इंसानी दुनिया को कभी नहीं देखा था। वह इंसानी दुनिया को देख करके बहुत खुश होने लगी और खुशी से खूब नाचने और झूमने लगी। उस राज्य के राजकुमार प्रिंस चार्ली को रपंजल बहुत पसंद आ जाती है और वह मन ही मन रपंजल को चाहने लगते हैं। रपंजल, हमने इतनी सारी बातें कर ली परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई तुम्हारी। वो क्या? तुमने ये इतने घने लंबे बाल कैसे किए? मेरी माँ ना इन बालों से बहुत प्यार करती हैं। शायद उनको इन बालों से ना जादुई शक्तियाँ मिलती हैं। अच्छा? हाँ। अच्छा रपंजल, एक बात कहूँ? हमारे राज्य में ना बहुत साल पहले एक किसान की एक बेटी हुआ करती थी। उसकी भी सेम तुम्हारे जैसे बहुत लंबे बाल और घने थे, जो 18 साल पहले गुम हो गयी। कहीं तुम वही तो नहीं हो? अरे 18 साल की तो मैं भी हूँ, कहीं उस किसान की बेटी मैं ही तो नहीं? क्या तुम भी 18 साल की हो? हाँ मैं भी 18 साल की हूँ। इसका मतलब मुझे लगता है तुम उसी किसान की बेटी हो फिर। क्या? हाँ। रपंजल! उधर रपंजल को ढूंढते ढूंढते चुड़ैल उसके पास पहुँच जाती है। रपंजल! 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 रपंजल एक बात कहूँ? हाँ। तुम ना किसी प्रिंसेस से कम नहीं हो, तुम रपंजल! प्रिंसेस। अरे मुझे लगता है ये तुम्हारी माँ की आवाज तो नहीं है। हाँ मुझे भी लगता है। अब क्या करें? कहीं मेरी माँ ना आ जाए, नहीं तो मुझे फिर से उस टावर में कैद कर देंगे। नहीं नहीं तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। जल्दी चलो, जल्दी कहीं छुप जाते हैं अपन पेड़ के। चलो उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रपंजल! 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 मुझे रपंजल को किसी भी कीमत पर पकड़ना ही होगा। उसके लंबे घने बाल मेरी शक्तियां हैं सारी। अगर उसके बालों का कुछ हो गया तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी फिर से। मुझे रपंजल को ढूंढना ही होगा। मैं बूढ़ी बनना नहीं चाहती, मुझे उसके बाल चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं उसको ढूंढ निकालूंगी। बेटा रपंजल कहाँ हो तुम? बेटा रपंजल! रपंजल! देखा रपंजल, ये तुम्हारी असली माँ नहीं है, शायद तुम उसी किसान की बेटी हो। ये चुड़ैल ना तुमको बस बालों की वजह से रखती है, वो बूढ़ी ना हो जाए इसलिए। तुमसे उसकी शक्तियाँ हैं, ना कि तुम उससे हो। ये तुम्हारे लंबे घने बाल, यही तो उसकी ताकत है। तुम्हारे इन बालों को काटना ही पड़ेगा कैसे भी करके। रपंजल, मुझे ना इन बालों को काटना ही होगा कैसे भी करके, नहीं वो चुड़ैल इन बालों की शक्तियों का दुरुपयोग करेगी। हाँ हम इन बालों को काट देते हैं, वरना वो चुड़ैल बहुत गंदी है, इन बालों की शक्ति का दुरुपयोग करेगी। हाँ इनको काटना ही पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो ना बहुत शक्तियों का दुरुपयोग करेगी वो। हाँ हाँ हम कुछ काटने के लिए देखते हैं। रपंजल!
रपंजल! इस तरह राजकुमार रपंजल के बाल काट देता है और चुड़ैल की सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। चलो रपंजल, अब हम इसको कहीं ना कहीं पे दफनाते हैं, ठीक है? चलो जल्दी फास्ट। इस तरह चुड़ैल का अंत हो जाता है और प्रिंसेस चार्ली रपंजल को अपना नगर घुमाते हैं। रपंजल के लिए सब कुछ, सारी दुनिया एकदम बिल्कुल नई होती है। वाह, इंसानी दुनिया कितनी अच्छी होती है ना? हाँ, बहुत प्यारी होती है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितने अच्छे घर हैं ये। अरे आप कौन हैं? जी मैं इस राज्य का राज्य अधिकारी प्रिंस चार्ली हूँ। भला एक राजा हमारे इस घर में क्यों आएगा? क्या आपकी कोई बेटी थी जिसको 18 साल पहले एक चुड़ैल उठाकर ले गई थी? 18 साल पहले? लाइट दे। नहीं, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दे सकती। वादे के अनुसार हमें उसे देना। नहीं प्लीज प्लीज, आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दे सकती। बेटी मत ले जाओ, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। नहीं नहीं, बेटी मुझे वापस कर दो। नहीं, चुप हो जा। 18 साल पहले? अरे रो मत भाग्यवान। 18 साल पहले एक जादूगर ने चुड़ैल हमारी बेटी को उठा के ले गई थी। हाँ वो हमारी बेटी थी। पूछिए आपको क्या पूछना है उसके बारे में। 18 साल पहले जो आपकी बेटी को चुड़ैल उठा के ले गई थी ना, मैं आपकी बेटी को वापस लाया हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ है? मम्मा मैं ही आपकी बेटी हूँ। क्या? हाँ मम्मा, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। मैं सोच रही था कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाएगी। बेटा कितनी साल बाद मिली हो, हम तो बूढ़े हो गए तुम्हारा इंतजार कर कर के। राजकुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बेटी लौटा दी। हाँ राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुग जुग जियो, आपने हमारी बच्ची को हमारे पास लौटा दी। शुक्रिया वाली बात नहीं है, दरअसल मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वैसे क्या चाहिए आपको? वो क्या है ना, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। हाँ हाँ, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, पता नहीं सिर्फ अच्छा रिश्ता हमें मिल पाएगा कि नहीं। लेकिन हम एक बार हमारे बेटी रपंजल से पूछना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को मंजूर करती है या हाँ, नहीं। हाँ, बेटा क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हाँ मम्मा, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है।
फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों मेरा नाम है सोनम प्रजापति, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और जल्दी से सोशल लिंक्स पर भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।